सिवान के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में लाखों रुपए की चोरी। जी हां, आपको बता दें कि सिवान के शुक्ल टोली स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में जो शुक्ला जी परिवार के द्वारा बनाया गया था और हजारों की संख्या में रोज यहां लोग दर्शन करने जाते थे, वहां हनुमान जी के मुकुट और उनके कुंडल को चोरी कर लिया गया है, जिसका वजन लगभग 4.5 किलो था। ये 4.5 किलो चांदी से बना हुआ था, लखनऊ से उनका गहना बन के आया हुआ था और सब कुछ चोरी कर लिया गया है। पीछे के दरवाजे से मंदिर में घुसा गया है, ताले को काटा गया है और तब चोरी की गई है। तो ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि ये चोरी जो हुई है वो सिवान के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में हुई है, जो शुक्ल टोली मोहल्ले में है, जहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में विदेशी दर्शनार्थी भी आते हैं और वहाँ पर इस चोरी को किया गया है। जो इस मंदिर के कर्ता धर्ता देख रेख करने वाले हैं, शुक्ला जी के परिवार के जो छोटे भाई हैं, जो अधिवक्ता हैं संबुद्ध शुक्ला, वो बता रहे हैं कि यह चोरी किसी बाहरी का नहीं है बल्कि मोहल्ले के साथी लोगों के मिलीभगत से हुई है। जी बताया जाए, हनुमान मंदिर में चोरी हुआ है, कैसी घटना घटी है, क्या सुबह 5 बजे 5:15 बजे हमको पता लगा। अच्छा, भाई कर्मी और पंडित जी बताया कि आइए देखे, तो हमारा पीछे का दरवाजा का ताला काट के और चोरों ने चांदी का मुकुट और कवच 4.5 किलो का लेकर चले गए। ये बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है, कटर शटर तोड़ दिए। इधर देखिए, कितनी कीमत होगी उसकी? अब वजन 3 लाख का, धर्मेंद्र जी कितना का होगा? देखिए, 4.5 केजी कम से कम ऊपर था। लखनऊ में हम बनवाए थे बद्री केदार अगर छोड़ा के, पुलिस आई थी जी। हाँ, पुलिस आई थी, पुलिस कही है कि हम छानबीन कर रहे हैं और ये बायली का काम नहीं है, ये बायली का काम नहीं है, इस मोहल्ले के जो शागिर्द सब हैं इन्हीं सबों का काम है, जो अपने के यहाँ बैठाते हैं उठाते हैं, बाहरी आया है, बिना मोहल्ला के सहयोग का ही काम नहीं हो।